एक प्रकार हम एक डिवीजन लगा सकते हैं। कंद मूल फूल फल पत्ती पानी ये जो है इसमें भी सबसे बढ़िया भोजन कौन सा, उत्तम मध्यम कौन सा, कनिष्ठ कौन सा। जैसे कि हम देखते हैं अर्थ उपार्जन पैसा कमाने में हम ऐसा कहते हैं कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। और इंसान में भी तीन प्रकार हम लगाते हैं, इसमें उत्तम इंसान कहते हैं संतों को। संत यानी जो खुद के लिए नहीं जीते औरों के लिए जीते हैं। हाँ, उनका ये गाना वो क्या गाते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए, ये संत है, औरों के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं, औरों के तो खुद ले लेते हैं और सभी को सुख बांटते हैं, ये संत है। हमने सुबह भी बात की थी सरोवर तरोवर सत जन चौथा वर्ष भेद परमार्थ के कारण चार उदय, जो परमार्थ है स्वार्थ बिल्कुल नहीं, वो संत है हमारे जैसे इंसान, लेकिन परमार्थ पूरा परमार्थ वो संत। तो एक उत्तम कोटि के मानव थे, अब मध्यम कोटि के हमारे जैसे हम स्वार्थी तो है ही साथ साथ परमार्थी भी है। अपने लिए तो जीते ही हैं, लेकिन औरों के लिए भी हमारी कुछ भावनाएं हैं। हाँ, औरों को जितना हो सके हम सेवा करने की कोशिश करते हैं, यानी कि मिक्सरों बहुत स्वार्थ और परमार्थ दोनों ये मध्यम है। अब तीसरा कनिष्ठ, पूरा स्वार्थ, हाँ परमार्थ है ही नहीं, ऐसे जो लोग हैं गुंडे असामाजिक तत्व त्रासवादी आतंकवादी जो पर पीड़न वृत्ति वाले हैं, औरों को दुख पहुंचा के उनको सुख पहुंचता है। देखो संत और कितना अंतर है, संत को औरों को सुख पहुंचाने से खुद को सुख पहुंचता है, औरों के दुख वो ले लेते हैं, जबकि यहां औरों को दुख देते हैं और दूसरे को दुख देने से खुद को आनंद मिलता है। गुजराती माँ में कही है कि डेढ़ का नो जीव जाए काम कागड़ा ने कागड़ा रमत पर, एक कागड़ा वृत्ति पर पीड़न वृत्ति एवा जे मानस छे ए मानस निम्न कोटि ना छे, नीच कोटि ना छे, अधम कोटि ना छे, कनिष्ठ कोटि ना छे। तो आज रीते भोजन ना पण आपणे त्रण भाग पाडी शकीए,